आरती उतारने के लिए जा रही है। गिरजा बोली जरूर जाओ, जरूर जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम जरूर उतारो। गिरजा की जो सहेलियां रहे आरती उतारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी हैं, भोले बाबा के ज्यादा नजदीक ना पहुंची और एक लड़की की नजर भोले बाबा के ऊपर पड़ी गई। जैसे ही माने काले काले नांग और पिच्छू पूरे शरीर से चिपटे भय देखे, सो एक कदम आगे ना बढ़ाओ, पीछे ही घटक चली गई। दूसरी लड़की बोली क्या हुआ, आरती नहीं उतारनी है। बोले मुझे तो नहीं उतारनी है, तुम्हें उतारनी है तो जाओ। क्यों? बोले कहते गाई ना पड़े लोग, पूरे शरीर से काले काले नांग और बिच्छू चिपटे। और सच बताएं हमें नागन से बहुत डर लगता है। दूसरी लड़की बोली तू तो पागल है, तू कब बेनांग समझ रही है जो खेतन में भजत फितरा था है, पालतू नांग है, पालतू नांग रिश्तेदार से धोरू बोलते हैं। बबोली तुम आरती उतारो, जे नांग है ने ना मालूम रिश्तेदारी का होते हम नहीं उतारे, अब तो कौन आरती ना उतारे। और लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, ये क्या किया मैया ने, कहां गिरजा कहां भोले बाबा। एक लड़की बोली वैसे भोले बाबा से शादी करने में गिरजा को फायदा हुआ है का। बोले मैंने तो ये सुना है भोजन करते ही नहीं है। क्यों? बोले भांग धतूरे के नशे में ही पड़े रहते हैं, गिरजा को तो भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरी लड़की बोली एक फायदा और है। क्या? बोले जल भरने कहीं नहीं जाना है, वो तो सर से ही निकल रहा है। तीसरी लड़की बोली एक फायदा और। क्या? बोले कपड़े अपड़े धोने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पहनते ही नहीं है। गिरजा की माँ मैना के सामने पहुंची और जवाब दो मैया, हाँ ये तुमने क्या किया, क्यों? अरे कहाँ गिरजा कहाँ भोले बाबा, पूरे शरीर से नाग और बिच्छू चिपटे हैं। काउ दिना अगर गिरजा को हाथ धोको में रख गो समझ लो भाई दिना सब खेल समाप्त है। और एक लड़की बोली मैया हम तुम्हें क्या बताएं, हम तो आंखें से देख के आए। I'm not afraid of the dark.
कि लड़की बोली मैया उनके ऊपर तो बुढ़ापा है और शरीर की तरफ देख के तो जब मालूम पड़ते ज्यादा से ज्यादा अगर चले गए ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या डेढ़ महीना बस। और जैसे ही इतने शब्द सुने सुबह मैं ना जो रहे रोई उठी का बुला दीजिए रे नारद को। नारद के कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए हमारी नारद सामने पहुंच गया हमें बुलाया तुम्हें बुलाया काहे को बुलाया बोलिए बारात वापस ले जाओ। बारात वापस बिना शादी के हैं? बोले हमें शादी तो नहीं करनी है। ये तुम्हें अचानक हो क्या गया तो मैं ना बोलूं